हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुपुर, आई लव गार्डनिंग से, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं टेकोमा स्टेन्स का प्लांट। इसको इसके फ्लावर्स के शेप की वजह से येलो बेल के नाम से भी जानते हैं, और इसकी बहुत सारे कलर में वैरायटीज़ जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो आप इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में देखेंगे अलग अलग कलर में, बस इसके फ्लावर का शेप जो है वो सेम ही रहता है। और ये बहुत अच्छा प्लांट है, जो क्योंकि ये एक एवरग्रीन प्लांट है और ये आसानी से सूखता नहीं है। तो आप इसे ग्रो कर लेंगे एक बार तो ये आसानी से सूखेगा नहीं, और इसके फ्लावर भी काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, पर इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और मैं इसी तरह आपके लिए अपनी वीडियोज़ बना दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, टेकोमा स्टेन्स के प्लांट में आप अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इसे हमेशा जहाँ भी लगाएं, चाहे आप गमले में लगाएं या ज़मीन में लगाएं, ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे कम से कम 6 घंटे की सीधी धूप इस पर पड़े। आप इसको शेड में लगाएंगे या इसे कहीं बड़े पेड़ के नीचे लगाएंगे, या आप इसका गमले में लगाते हैं या किसी शेड एरिया में रख देंगे, तो इसकी लीव्स तो बहुत हेल्थी ग्रो करेंगी, अच्छी अच्छी इसमें स्टेम्स भी निकलेंगी, बट फ्लावरिंग इसमें नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसे ऐसी जगह रखें जहाँ इसमें फुल धूप आए, और इसकी जो सॉइल है उसका खास ध्यान ये रखनी है कि वो वेल ड्रेन्ड हो, क्योंकि इस टेकोमा स्टेन्स के प्लांट में जो है वो सॉइल वेल ड्रेन नहीं होगी तो इसकी रूट्स बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसकी रूट जो है वो गलने लगेंगी, या ज़रा सा भी इसमें पानी रुकता है तो इसकी रूट में रूट रॉट या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्लांट बहुत जल्दी सूखता है। और जैसा कि मैंने कहा, इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, तो आप इसमें कम से कम पानी दें। इस प्लांट में आप गर्मियों में भी जो है वीक में केवल 2 ही बार पानी डालें, जब इसकी सॉइल जो है ऊपर से सूखी सूखी हो जाए आप तभी इसमें पानी डालें। बहुत ज़्यादा पानी इसको प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, और ये प्लांट जो है बहुत ही कम फर्टिलाइज़र में भी अच्छे से ग्रो करता है। इवन इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र बिल्कुल पसंद नहीं होती, अगर आप इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, ये अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा प्लांट बड़ा हो जाएगा, घना हो जाएगा, बट ये इस तरह से फ्लावरिंग नहीं देगा। इसके फ्लावर काफ़ी लंबे समय तक चलते भी हैं, तो इसके कलर इतना ब्राइट है, मुझे इसका यही कलर बहुत ज़्यादा पसंद है वैसे। तो अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें प्लांट में फ्लावरिंग अच्छा नहीं होगा, बाकी ये प्लांट ग्रो बहुत अच्छे से करेगा। तो आप इसमें जो प्लांट में केवल साल में 2 बार ही फर्टिलाइज़र डालें, एक तो आप समर में जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, जैसे फरवरी से मार्च में इसमें फ्लावरिंग होती है, तो आप उससे पहले थोड़ी सी फर्टिलाइज़र दें, बहुत कम फर्टिलाइज़र, और उसके बाद आप सितंबर के से पहले इसमें फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि सितंबर से इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। इस प्लांट में प्रोपेगेशन जो है आप इसमें मैं आपको दिखाती हूँ अभी, इसमें ये देखिए जैसे ये फ्लावर बने हुए हैं, तो इसी में जब ये फ्लावर झड़ जाते हैं तो ये देखिए इस तरह से इसमें फलियाँ बनती हैं, इसमें इसके सीड्स होते हैं। तो एक तो आप इसे इसके सीड्स से ग्रो कर सकते हैं, ये देखिए इसके जितने फ्लावर झड़ेंगे उन सब में से इसमें ये फली जैसी बनेंगे और उसमें सीड्स बनेंगे। इसके अलावा आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, ये प्लांट कटिंग से भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इवन मुझे तो कटिंग से ग्रो करना प्लांट्स को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहता है। इस प्लांट को एक और बात है फ्रेंड्स, कि इसको अच्छे शेप में रखने के लिए आपको इसको प्रून करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो आप इसको किसी भी अपने हिसाब से, अगर आप इसको 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो आप इसे प्लांट बना के ग्रो कर सकते हैं, देखिए मैंने इसे प्लांट की तरह ग्रो कर रखा है। इसके अलावा आप इसे एक बेल के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप इसे ग्रो कर सकते हैं, और इसकी जो एक्स्ट्रा टहनियाँ उन्हें कटिंग करते रहने, तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है प्लांट। इसके अलावा फ्रेंड, जनरली मैंने इसमें पेस्टिसाइड्स के अटैक में मैंने इसमें मीली बग्स का अटैक देखा है, तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि मीली बग्स का अटैक हो तो आप इसमें तुरंत उपचार करें, क्योंकि इसमें मीली बग्स बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं,
तो आप सोप वाटर या सिंपल वाटर छिड़क के उसके मीली बग्स को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें पेस्टिसाइड्स के अटैक में इसकी रूट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी है, तो आप रूट की रूट रॉट को आप बचा सकते हैं। पानी हिसाब से देखें, आप इसमें पानी तभी डालें जब जो इसके ऊपर की सॉइल है आपको थोड़ी सूखी सूखी लगे, अदरवाइज इस प्लांट को आप पानी ना दें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जानकारी टिकोमा स्टेन प्लांट के बारे में। इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर लगाएं घर में। और ये एक बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, आप इसे एक बार लगा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, ना तो इसे फर्टिलाइज़र चाहिए होती है ना इसमें बार बार पानी की ज़रूरत होती है। और ये फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है, एकदम बंचेस से पूरा प्लांट भर जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो प्लांट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो इसी तरह लगातार देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।